सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास धन है। अरे भले आदमियों, फिर 6ठी क्या खाएगी? वो 6ठी क्या खाएगी, और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घड़ा मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहाँ आते, फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चरित्र उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहाँ फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे, उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है, शाम का है। कहा जी, उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे रे भगत, फिर कल भी खा लियो, बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है, उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम देकर क्यों नहीं आए, वो एक और वहाँ भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो 6ठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूँ, सुबह की भी परमात्मा पे छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, और हमें भगवान आगे से आगे देता, उसने क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? ज्ञात बात सही है, जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था।
बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ीगा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी, और गधे की योनि में जागा तू। तेनू बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रूम कोड इकट्ठा कर लिया तेने, पाप का भागी तू होगा, खांगी तेरी पीढ़ी, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है, अब क्या करूं मैं तो मर गया। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हमने हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं सोचे एक और लूँ, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूँ, वहाँ थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ भी दाव लग गया तो तीस चौथा और दूसरे शहर में ले लूँ, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहाँ घूमया करेगा सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है।